नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक इशू है जो पूरे समय डिबेट में बना हुआ है, आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट। ये आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट सीधे सीधे आपका जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। और ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम अपनी सुविधा के लिए इसको तीन से चार तरीके से डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या रीजन है, क्या बोन ऑफ कंटेन है, क्या ऐसे रीजन बन रहे हैं जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है। डिस्प्यूट को ना रीजन क्या है, रीजन जानेंगे डिस्प्यूट का, तो फिर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे, जल्दी से एक ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री। और जो तीसरा पार्ट है इसका, कि इस पूरी चीज से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और फाइनली इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लड़ाई वहां हो रही है और हमारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिरी में हम जानने की कोशिश करेंगे जो चौथा वाला पार्ट है, वो एक करंट डायमेंशन। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, पहला रीजन, रीजन बेसिकली तीन है। पहला है टेरिटोरियल, दूसरा है रिलीजियस, और तीसरा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो एक एक हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक जो एरिया है जो बोन ऑफ कंटेन सबसे बड़ा बड़ा हुआ है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसे बोलते हैं नागोर्नो काराबाख रीजन। इसको एक मैप के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिए, विजुलाइज कीजिए, आपके सामने एक मैप आ गया है। एक तरफ आपको दिख रहा है आर्मेनिया और एक तरफ दिख रहा है आपको अजरबैजान। बीच में आपको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिख रही है, जो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा मैप के माध्यम से, जहां पे नागोर्नो काराबाख एरिया है। अब बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दोनों ही लोग, दोनों ही देश, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं। ये दोनों एरिया एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। अब इसमें ये चीज क्लियर नहीं है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है कि इंडिया का हिस्सा है, और दोनों के बीच में, दोनों देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसी प्रकार की सिचुएशन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। और देखिए, ये जो नागोर्नो काराबाख एरिया है, इसमें सबसे बड़ी एक समस्या ये है, यहाँ पे 95 जो परसेंट पॉपुलेशन है वो एथनिकली आर्मेनियन है, आर्मेनियन एक क्रिश्चियन देश है, मगर दुर्भाग्य से ये पूरा एरिया कंट्रोल किया जा रहा है अजरबैजान के द्वारा। मींस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है नागोर्नो काराबाख एरिया, वो पूरा पूरा कैसा, वो पूरा पूरा कंट्रोल्ड है, गवर्न किया जा रहा है अजरबैजान के थ्रू। तो ये तो हो गया पहला रीजन। बट इसका रीजन का भी जो कारण जो है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में छुपा हुआ है, तो इसलिए हमें थोड़ा एक ब्रीफ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हम दूसरे डिस्प्यूट के कारण देख लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा आपको एक कनेक्टिविटी, एक व्यू क्लियर हो गया होगा कि एक रिलीजियस डिस्प्यूट भी है, धार्मिक डिस्प्यूट भी है। अब देखिए, आर्मेनिया जो है क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, अजरबैजान जो है वो एक टर्किश मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। तो आपको यहां पे इतनी व्यू भी क्लियर हो गई होगी कि आर्मेनिया क्रिश्चियन मेजोरिटी, अजरबैजान टर्किश मुस्लिम, और दोनों के बीच में लड़ाई है। टेरिटरी कौन सी है, नागोर्नो काराबाख एरिया। आर्मेनिया पॉपुलेशन वहां पे कैसी है, 95% आर्मेनिया जो कि क्रिश्चियन है, कंट्रोल किया जा रहा है टर्किश मुस्लिम कंट्री के द्वारा। और इसमें तीसरा डिस्प्यूट यह है कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेली जा रही है, दोनों ही लीडर चाहते नहीं है कि ये इस पे सॉर्ट आउट हो, लड़ाई बनी रहे, पॉलिटिकल बेनिफिट दोनों तरफ को मिलता है। मगर अगर हम थोड़ा हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से जानने की कोशिश करें कि ये आर्मेनियन अजरबैजान ये कंट्रोल कर रहा है तो कैसे, तो देखिए यहां हिस्ट्री में थोड़ा हम जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए दोनों ही देश, इतना व्यू को तो क्लियर कर लीजिए, आर्मेनिया अजरबैजान दोनों ही सोवियत यूनियन से निकले हुए देश है। 1920 में स्टेटस ये था, नागोर्नो काराबाख एक एटोनोमस एरिया के रूप में जाने जाने लगा, और जो कि स्टैब्लिश किया जा रहा था किसके द्वारा, अजरबैजान के द्वारा, बाय सोवियत संघ। अब डिस्प्यूट कैसे क्रिएट हुआ, यहां की जो जनता, 95% पॉपुलेशन आर्मेनियन है,
कंट्रोल किया जा रहा अजरबैजान के द्वारा, तो 1989 आते आते एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि ज्वाइन करना है नागोर्नो काराबाग को आर्मेनिया। 1991 आते आते वॉर हो गया, 1989 तक का सिचुएशन रेजोल्यूशन की थी, 1991 आते आते वॉर हो गया, 1000 रिफ्यूजी हो गया, 1994 आते आते रशिया एज अ मीडिएटर बन के सीजफायर किया, 2006 आते 16 आते आते फिर वायलेशन हुआ, रिसेंटली 26 सितंबर 2020 से लेकर 10 तारीख तक का यानी कि कल तक का लड़ाई चलती रही। और रिसेंटली अगर हम स्टेटस देखें तो रशिया के मीडिएटर के थ्रू अभी सीजफायर हो गया। मगर इस पूरी चीज में जो लड़ाई हुई थी, जो हफ्ते 15 दिन चल गई, इस पूरी चीज में इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए तो हमारा यहां से चालू हो रहा तीसरा भाग। इम्पैक्ट बेसिकली तीन है। पहला तो है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल, दूसरा है ग्लोबल और तीसरा है कॉन्टेक्स्ट इंडिया के। अजरबैजान नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री है और ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल और गैस का। और ये अजरबैजान का जो एक्सपोर्ट कट रहा है दो कंट्री को, यूरोपियन नेशन पूरा और सेंट्रल एशिया। अब देखिए अगर जो लड़ाई चल गई और अगर और लंबे समय तक चलती, आपको पता होगा जो करंट सिचुएशन ऐसी है कि अब ठंड आने वाली है। यूरोपियन कंट्री को अपने घरों को गर्म करने के लिए गैस की आवश्यकता पड़ती है, ऑयल और नेचुरल गैस की, ठंडता पड़ता। और अगर अजरबैजान से कट शॉर्ट होने लगे ऑयल और नेचुरल गैस का, तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में जहां एक्सपोर्ट करता है, तो करंट सिचुएशन के हिसाब से ग्लोबल प्राइस जो है ऑयल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर लड़ाई खिंच जाती तो। ग्लोबली अगर हम थोड़ा देखने की कोशिश करें, वैसे तो सॉर्ट आउट हो गया है, बट अगर ग्लोबली देखने की कोशिश करें, ग्लोबल या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर इसमें इन्वॉल्व होती, आप इसको सरल तरीके से ऐसा समझिए, ये पहले मैप विजुलाइज कर लीजिए, ये आप मैप को बिल्कुल रिकलेक्ट कर लीजिए। ऊपर आपको देख रहा है अजरबैजान के जस्ट ऊपर रशिया, आर्मेनिया के जस्ट नीचे टर्की, ऊपर जॉर्जिया, इसके नीचे आपका ईरान। अब देखिए इसको तो हम यहां पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू या फिर वर्ल्ड कम्युनिटी के थ्रू। अब देखिए ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट, अब आर्मेनिया का सपोर्ट कौन कर रहा है, रशिया, क्योंकि इसके साथ में क्लोज टाइप है। अजरबैजान का टाइप, अजरबैजान का जो सपोर्ट कर रहा है वो दो कंट्री, एक है टर्की और दूसरा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब अगर ये दो देश का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वर्ल्ड की सिचुएशन कैसी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं एक दो भागों में डिवाइड दिखती है। और यहां पे रीजनल टेंशन उस एरिया में एक टेंशन जो है वो बढ़ जाता। और टेंशन अगर बढ़ रहा है, मिलिट्री एस्केलेशन हो रहा है, दोनों कंट्री ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, एयर वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है, आर्टिलरीज का इस्तेमाल कर रही है, ऐसे कंडीशन में टेंशन अगर बढ़ता तो सिचुएशन बहुत अलग हो जाती। अब देखिए यहां पे रशिया अपना हित देख रहा है, इजराइल अपना हित देख रहा है, इजराइल का इन्वॉल्वमेंट ऐसा कि दोनों अपने अपने क्या कर रहे हैं, आर्म्स को सप्लाई कर रहे हैं। और घेरेबंदा कहां हो रही है इनकी, यूएन में। मगर इस पूरी चीज से अगर हम थोड़ा ब्रॉड एंगल में देखने की कोशिश करें, इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया के डायमेंशन में अगर देखने की कोशिश करें तो दो चीजें आपको समझ आएंगी। एक तो हम बायलैटरल और दूसरी तरफ हम वाइड एंगल से थ्रू देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बायलैटरल वाला सेक्शन पहले खोल लेते हैं। देखिए बायलैटरल यानी कि दो देश, दो चीज जब बातचीत करते हैं तो बायलैटरल कहलाता है। एक तरफ देखते हैं इंडिया आर्मेनिया और दूसरे तरफ देखते हैं इंडिया और अजरबैजान। इंडिया और आर्मेनिया के साथ में हमारे बायलैटरल कॉर्पोरेशन 2017 से चालू हो गए थे, 2017 से हमारे वाइस प्रेसिडेंट पहला विजिट करते हैं आर्मेनिया का, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट और लेबर हैं आर्मेनिया में। अजरबैजान के साथ में हमारे रिलेशन थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं, इस प्रकार से स्ट्रेटेजिकल एक्सेस है। दूसरा डायलॉग पार्टनर है,
और तीसरा जिसे हम बोलते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो एक एक करके हम सेक्शन खोलते हैं। पहला हम देखते हैं स्ट्रेटेजिकल एक्सिस। देखिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर INSIC, ये बेसिकली एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है जिसमें शिप, रेलवे और रोड। एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक सामने आपके सामने मैप दिख रहा होगा, एक कनेक्टिविटी बन रही है इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया। देखिए सामने मैप, यहां पे इंडिया, ईरान, अजरबैजान, मॉस्को, एक पूरा कनेक्टिविटी रोड जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। और अगर हम थोड़ा भी कमेंट करते हैं अजरबैजान के ऊपर तो ये जो कॉरिडोर है कहीं ना कहीं खटाई में पड़ने जाएगा। तीसरा, दूसरा डायमेंशन अगर हम देखने की कोशिश करें, इंडिया जो है मेंबर है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एक सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है। उसका डायलॉग पार्टनर है अजरबैजान। अगर इनके फेवर में वोट चाहिए हमें तो दिमाग में रखेगा अजरबैजान, और हमारे फेवर में वोट नहीं करेगा। तो अजरबैजान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हम है हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हम वहां के मेंबर हैं इंडिया। और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत, जब मैंने आपको बोला कि ऑयल और नेचुरल गैस के लिए रिच है अजरबैजान, हमारा ONGC विदेश ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है अजरबैजान में। तो आपको इतना व्यू क्लियर हो गया स्टूडेंट कि ना इंडिया आर्मेनिया के ऊपर कुछ कमेंट कर सकता, ना अजरबैजान के साथ में कमेंट कर सकता। अगर हम इसको थोड़ा इसको वाइड एंगल के थ्रू देखें, एक हाइपोथेटिकल बात देखें, इंडिया अगर अजरबैजान का सपोर्ट कर दे, उसको बोल दे कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, नागोर्नो काराबान वाला एरिया अजरबैजान को दे दो, तो तुरंत सॉरी, अगर इंडिया आर्मेनिया के सपोर्ट कर दे तो अजरबैजान क्या करेगा, तुरंत जम्मू कश्मीर वाला इशू पे सपोर्ट करेगा किसको, पाकिस्तान को। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहां पे एक व्यक्ति जबरदस्त काम कर रहा है वो आपका चाइना, ये बिन पैंदी का लोटा है। ये आर्मेनिया की तरफ भी कूद रहा है, अजरबेगिस्तान की तरफ भी कूद रहा है, आर्मेनिया के साथ MOU साइन किया है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल मिलिट्री बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बना के रखा हो आर्मेनिया को, और इंडिया ने एंगेज करने के लिए उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अजरबैजान के साथ में अलायंस करके रखा है। मगर अलायंस इसका अजरबैजान का पाकिस्तान और चाइना के साथ में भी है। तो इंडिया की सिचुएशन विन विन है, वो कुछ भी नहीं करेगी। करंट सिचुएशन अगर हम देखने की कोशिश करें, 27 सितंबर 2020 से लेकर 10 अक्टूबर तक का लगातार लड़ाई चली, मगर रिसेंटली कल की न्यूज ये है कि रशिया का फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू सीज फायर डिक्लेयर हो गया। सो डियर स्टूडेंट, आपको एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आपको एक ओवरव्यू क्लियर किया होगा। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।